तो अगर आप लोग भी बेसब्री से वेट कर रहे हैं फ्री फायर इंडिया का गाइज, और अभी तक आपको ये गेम जो है प्ले स्टोर पे देखने को नहीं मिला है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब तक ये गेम आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा, कब से आप इस गेम को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि गाइज यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बता सकूँ। यहाँ पे गाइज मैं ऑफिशियल जो यहाँ पे जो न्यूज निकल के आई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कब तक आपको ये गेम जो है आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे और कब तक आप जो इसको प्ले कर पाएंगे। यहाँ पे गाइज काफी सारे लोग प्ले स्टोर पे गाइज इसका जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो कर चुके हैं, और गाइज यहाँ पे काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। यहाँ पे डेट्स भी निकल के आई थी, लेकिन उस डेट को यहाँ पे ये गेम जो है लॉन्च नहीं हुआ था, इसको जो है फ्री फायर ने थोड़ा सा और आगे इसकी डेट को बढ़ा दिया था, और वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि हम इस गेम में कुछ और भी इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं, इस वजह से जो अभी आपका लॉन्च डेट होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो सकता है, और उसके बाद से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आपको नहीं मिला था। तो अब गाइज यहाँ पे एक ऑफिशियल जो है न्यूज़ निकल के आया है सामने कि कब तक ये गेम जो है आ सकता है। अगर आपने इसके लिए अभी प्री रजिस्टर नहीं किया है तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा प्ले स्टोर का, आप जो है उस लिंक पे जा करके गाइज यहाँ पे प्री रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि जैसे ही गेम गाइज आपको यहाँ पे मिलता है तो आप सक्सेसफुली इसको डाउनलोड कर पाए। तो चलिए गाइज मैं आपको यहाँ पे इसकी डेट जो है कंफर्म दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया टीवी का ऑफिशियल पेज है गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पता होगा गाइज कि यहाँ पे जो फ्री फायर इंडिया की जो लॉन्च डेट थी वो गाइज यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 सितंबर को यहाँ पे लॉन्च किया जाना था, लेकिन गेम के डेवलपर ने इसकी लॉन्चिंग डेट को जो है आगे बढ़ा दिया था कि जो है इसमें हम कुछ इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं, इसलिए जो अभी गेम है अभी फ़िलहाल के लिए लॉन्च नहीं होगा, और उसके बाद से कोई भी नया अपडेट जो यहाँ पे निकल के नहीं आया था, जिससे काफ़ी सारे इसके जो फैंस हैं वो भी कंफ्यूज थे कि ये गेम आखिर में लॉन्च होगा भी या नहीं। लेकिन गाइज अब एक जो यहाँ पे बिग न्यूज़ आई है इस गेम के लॉन्च को लेकर के, और यहाँ पे डेट जो है निकलती हुई नज़र आई है। मैं आपको दिखाऊंगा गाइज कि यहाँ पे ये डेट क्या है और कब तक आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे गाइज आप कंफर्म डेट देख सकते हैं, फ्री फायर इंडिया को लेकर के आई नई लीक रिपोर्ट सामने इस बात का खुलासा हुआ है कि कंपनी इसे 1 नवंबर 2023 को लॉन्च कर सकती है। यहाँ पे 1 नवंबर को यहाँ पे दिखा ये बता रहे हैं, लेकिन गाइज 1 नवंबर को फिलहाल के लिए गेम तो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है गेमर्स और फैंस इसे 10 नवंबर से डाउनलोड कर पाएंगे। तो मे बी गाइज यहाँ पे जो गेम है वो लॉन्च हो उसके बाद जो है गाइज आप लोग 10 नवंबर से इसको डाउनलोड कर पाएं, तो अभी आप लोग वेट कर सकते हैं 10 नवंबर तक गाइज आपको गेम जो है मे बी ये मिल सकता है, क्योंकि गाइज यहाँ पे जो गेम था फ्री फायर वो 14 फरवरी को यहाँ पे गाइज जो है 14 फरवरी को यहाँ पे बैन हुआ था इंडिया में, और PUBG भी बैन हुआ था, तो उसके बाद PUBG का जो BGMI नया वर्जन गाइज इंडियन वर्जन जो है आपको देखने को मिला था। इसके बाद जब फ्री फायर बैन हुआ तो फ्री फायर फैंस भी चाहते थे कि भाई फ्री फायर का भी कोई इंडियन वर्जन जो है यहाँ पे आए, और इसीलिए काफ़ी टाइम से इस गेम का काफ़ी सारे लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे 10 नवंबर एक लीक के अनुसार यहाँ पे इन्होंने लिखा है, कुछ लीक्स जो है निकल के आई हैं कि 10 नवंबर को कंपनी जो है गेम सबके लिए अवेलेबल करवा सकती है डाउनलोड करने के लिए। तो बस आप लोगों को गाइज यहाँ पे वेट करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे इस बार फ्री फायर में कई सारे बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यही नहीं, गेम के लिए रियल लाइफ में स्पोर्ट्स जगत के बड़े नाम जैसे महेंद्र सिंह धोनी हुए और टेनिस स्टार साइना नेहवाल हुई, तो यहाँ पे इन्होंने इनके साथ जो है इन्होंने टीजर किया था, ठीक है। तो गेम में क्या बड़े चेंजेस होते हैं वो तो आने के बाद ही, लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। खैर आप लोग कितना बेसब्री से वेट कर रहे हैं इसी गेम का, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।